जिसकी जरूरत हमें पूरे नरेशन में, हर एक एग्जांपल में, हर एक सेंटेंस में जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, वो है प्रोनाउन में चेंजिंग करना। कि प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करते हैं, और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को प्रोनाउन में ही चेंजिंग करने में होती है। टेंसेस में चेंजिंग तो आसानी से लोग सीख जाते हैं, प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग होगा ये बात आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको पर्सन और केस, ये दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको पर्सन और केस ये दोनों अच्छे से आता है तो प्रोनाउन में चेंजिंग करना आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हमें प्रोनाउन में चेंजिंग करना सीखना है तो सबसे पहले हमें केस जानना होगा फ्रेंड्स। केस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो केस जिसको हिंदी व्याकरण में कहते हैं कारक, केस को हिंदी व्याकरण में कारक कहा जाता है। और शायद आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सेम वही चीजें इंग्लिश ग्रामर में होती हैं। केस को कहते हैं, पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो जैसे कि अगर हम कुछ प्रोनाउंस का एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और हू, तो ये हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है फ्रेंड्स, और पजेसिव केस माई, और एक माइंड भी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और पजेसिव केस आवर और आवर्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है फ्रेंड्स, और पजेसिव केस योर और योर्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पजेसिव केस दियर या फिर दियर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और पजेसिव केस हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, और पजेसिव केस भी हर ही होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और पजेसिव केस इट्स होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और पजेसिव केस हूज होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये केस होते हैं, और जनरली सेंटेंसेस में इतने ही टाइप के प्रोनाउन आपको मिलेंगे चेंजिंग करने के लिए। अब इसमें हम केस के बाद इसी में हम देख लेते हैं पर्सन क्या होते हैं। केस के साथ साथ हम इसी में पर्सन देख लेते हैं, इसी को कैटेगराइज कर देते हैं। यहां पे ये जो दो लाइन ऊपर के है, आई और वी के जो दो लाइन है, इस पूरे को हम कहेंगे ये फर्स्ट पर्सन है, ये पूरा फर्स्ट पर्सन है। और ये जो केवल यू वाली लाइन है पूरी, यू का तीनों केस, यू का जो तीनों केस है, ये हमारा है सेकंड पर्सन। आई और वी का जितना भी केस है, ये सब तीनों केस फर्स्ट पर्सन, यू का तीनों केस होगा तो उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। और इसके बाद नीचे दे, ही, शी, इट, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट है, ये सब थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स अगर पजेसिव केस के बाद अगर कोई एक नाउन आ जाता है तो उसको तो थर्ड पर्सन ही कहा जाता है। जैसे अगर माई है तो माई तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन माई के बाद अगर फादर आ गया, माई फादर, तो अगर पूरे को साथ में हमें देखना है तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन अगर केवल हमें माई को देखना है तो ये माई फर्स्ट पर्सन होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन है। ऊपर के दोनों लाइन आई और वी का तीनों केस फर्स्ट पर्सन, यू का तीनों केस सेकंड पर्सन, और नीचे ये सभी थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि हम प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर का जो हमारा सेंटेंस है उसमें जहां जहां पे प्रोनाउन आया हुआ है, चाहे वो किसी भी केस में हो, हम उसमें चेंजिंग कैसे करते हैं। और आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे इसका पूरा एक चार्ट भी बना दिया है केस का, और यहाँ पे पर्सन भी लिखे गए हैं कि ये आई और वी का पूरा केस फर्स्ट पर्सन, यू का पूरा केस सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन।
तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल ही सेज टू मी आई डू नॉट लाइक योर नेम. He says to me, I do not like your name. यानी कि वह मुझसे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है. तो he says to me, सबसे पहले हमें देखना है इसका reporting speech. कौन किससे कहता है? He says to me, वह मुझसे कहता है. यानी कि ये हमारा जो पार्ट है इसका कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट ये हमारा है reporting speech. और जो कॉमा के अंदर क्या कहता है? I do not like your name. ये पूरा हमारा है reported speech. और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है. तो वर्ब इसमें क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू. ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेज. तो हमें क्या कॉमा के बाहर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में हमें केवल उसका रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज करना होता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही और सेज टू को फ्रेंड्स हम चेंज कर देते हैं टेंस में. ये सब अभी मुझे ये नहीं बताना है कि किसको मतलब ये सेज. अभी मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रोनाउन में चेंजिंग. अभी मैं आपको केवल प्रोनाउन में चेंजिंग बताना चाहता हूं. तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. तो सेज टू को हम चेंज कर देते हैं टेल्स में. ये हो जाएगा ही टेल्स और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी. तो इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है. केवल इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया टेल्स में. और ये तभी चेंज होता है जब इसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट होता है. अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड हमें लगाना होगा. यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है. अगर कॉमा के अंदर का सेंटेंस हमारा असर्टिव है दैट मीन्स अगर वो अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है तो हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के. तो अब देखा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है आई और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा. कॉमा के अंदर जितने भी प्रोनाउन होंगे उसी में हमें चेंजिंग करना होगा. तो यहाँ पे आई एक प्रोनाउन है और सबसे पहले इसको हमें अगर चेंज करना है तो पहले हम इसका पर्सन देखेंगे. और जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स तो फॉर्मूला सेन बटा 123 का इसका फॉर्मूला होता है. सेन बटा 123 यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है कॉमा के अंदर वाला यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कॉमा के बाहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग करते हैं. और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. और अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसमें नो चेंजिंग. एन का मतलब नो चेंजिंग है. तो यानी कि हमें करना क्या है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई और वी और इसका पूरा केस. तो फर्स्ट पर्सन का जितना भी होगा इसे हमें किसके अनुसार चेंज करना है? इसे हमें चेंज करना है पहले सब्जेक्ट के अनुसार. यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंजिंग करना होगा. और अगर सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा सेकेंड पर्सन में केवल यू का तीनों केस आता है. सेकेंड पर्सन का होगा तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट वन कह सकते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे अगर सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो. या फिर अगर थर्ड पर्सन का होगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर आएगा तो उसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है. तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आया हुआ है आई जो कि फर्स्ट पर्सन है. आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार जो कि ही है. अब इसके बाद हमें इसका केस देखना होगा फ्रेंड्स. सबसे पहले हम पर्सन देखेंगे ये पता करने के लिए कि इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जब ये पता चल जाएगा इसके बाद हमें इसका केस देखना होगा कि ये केस कौन सा है. तो आई कौन सा केस है? आई सब्जेक्टिव केस है. अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके स्थान पे इसका सब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा. अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके स्थान पे इसका हमें सब्जेक्टिव केस लिखना होगा. तो आई को चेंज किया गया पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि ही है तो हमने इसका सब्जेक्टिव केस ही लिख दिया क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है.
अब डू नॉट है तो ही की आई के साथ डू नॉट का यूज होता है, बट यहां पे ही हो गया, ही के साथ हमें डज नॉट लगा देना है, तो ही डज नॉट। फिर वर्ब लिखेंगे लाइक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। योर नेम, यहां पे योर भी एक प्रोनाउन है फ्रेंड्स, योर जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे चेंज करना है पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पहला ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट मी है। अब हमें देखना है फ्रेंड्स कि केस कौन सा है। इतना तो पता चल गया कि योर को हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे केस कौन सा लिखे। तो इसके लिए हमें योर जो यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है इसका हमें केस देखना होगा। तो योर कौन सा केस है? ये पजेसिव केस है, योर पजेसिव केस है। अगर योर पजेसिव केस है तो हमें मी का पजेसिव केस लिखना होगा फ्रेंड्स। तो मी का पजेसिव केस अब क्या होता है? मी का पजेसिव केस माई होता है, तो यहां पे माई लिख देंगे। तो योर पजेसिव केस था, इसलिए हमने मी का पजेसिव केस यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, माई नेम हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अब अगर स्टार्टिंग में नाम रहते हैं, कोई नाउन रहता है और उसके स्थान पे हमें प्रोनाउन का यूज करना हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। राधा सेड टू हर पेरेंट्स, राधा सेड टू हर पेरेंट्स, यू विल नॉट बाय मी न्यू क्लॉथ्स। तो अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राधा सेड टू हर पेरेंट्स यू विल नॉट बाय मी न्यू क्लॉथ्स। राधा ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो इसमें किसने किससे कहा? राधा ने अपने पेरेंट्स से कहा, राधा सेड टू हर पेरेंट्स। तो ये यहाँ पे क्या हो गया इसका? रिपोर्टिंग स्पीच। और क्या कहा? यू विल नॉट बाय मी न्यू क्लॉथ्स, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करना नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे राधा और इसके बाद सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। अगर सेड के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट है हर पेरेंट्स, तो इसको ऐसे लिख देंगे हर पेरेंट्स। और सेड टू को टोल्ड में तभी चेंज करते हैं फ्रेंड्स जब हमारा ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। तो और असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या है? कि वो हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, ये इसका पहचान है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये हो गया राधा सेड टू हर पेरेंट्स का, राधा टोल्ड हर पेरेंट्स। अब जहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पे हमें दैट का यूज करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। अब देखना है इसका प्रोनाउन क्या आया हुआ है। कॉमा के अंदर यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हमें चेंज करना होता है पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है? हर पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट हमारा हर पेरेंट्स है। अब यू को चेंज करना है हर पेरेंट्स के अनुसार, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हर पेरेंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स एक बार यहाँ पे आ चुका है सेंटेंस में। तो जब एक बार ये नाउन आ चुका है तो दोबारा हम इसके स्थान पे एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर हमें एक नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज करना है तो हमें उसका नंबर, जेंडर और पर्सन, ये तीन चीजें देखना होगा। अगर हमें एक नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज करना है तो हमें उस नाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन, ये तीनों चीजें देखना होगा। तो यहाँ पे हर पेरेंट्स, सबसे पहले पर्सन देख लेते हैं, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, हर पेरेंट्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। और अब हमें इसका देख लेना है नंबर, ये कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हर पेरेंट्स, माता पिता, ये प्लूरल नंबर होता है। तो अब हमें देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में कौन सा प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है? दे होता है। तो यानी कि हर पेरेंट्स के स्थान पे हम यहाँ पे दे का यूज करने वाले। तो हो गया राधा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे, यू को चेंज किया गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हर पेरेंट्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया दे।
अब विल नॉट को हम चेंज कर देंगे वुड नॉट में, विल नॉट को वुड नॉट में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो वही लगा देंगे विकम, और मी अब यहां पे ऑब्जेक्ट इसका आया हुआ है मी, अब मी को हमें चेंज करना है फ्रेंड्स, मी कौन सा पर्सन है पहले इसका पर्सन देखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पहला सब्जेक्ट इसमें राधा है, अब यहाँ पे पहला सब्जेक्ट राधा है, और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि मी को चेंज करेंगे राधा के अकॉर्डिंग, और राधा के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो राधा स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और स्त्रीलिंग और एक वचन का प्रोनाउन शी होता है, यानी कि राधा को हम यहाँ पे शी मानेंगे, अगर यहाँ पे किसी पुरुष का नाम होता मोहन होता तो ही मान लेते, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको दे माना जाएगा, तो यहाँ पे मी आया हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा राधा के अकॉर्डिंग, अब उसका हमें देखना है पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो राधा के अकॉर्डिंग इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब हमें इसका केस देखना है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इसका केस देखना है, मी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है, मी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें शी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है उसके स्थान पे, यहाँ पे जो केस है वही केस हमें इसका लिखना होगा फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देना है, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो राधा को शी माना गया है तो शी को ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाए बाय हर, न्यू क्लॉज, न्यू क्लॉज को ऐसे लिखेंगे न्यू क्लॉज टू बाय हर न्यू क्लॉज, तो ये हमारा सेंटेंस अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, राधा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट दे वुड नॉट बाय हर न्यू क्लॉथ्स, तो फ्रेंड्स अगर और भी एग्जांपल बताएंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको श्योर है कि ये समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको इसका केस और पर्सन ये दो चीजें याद होनी चाहिए, अगर आपको पर्सन और केस अच्छे से याद है तो आप प्रोनाउन में चेंजिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इन नो चार्ट।